पीएम मोदी ने बगैर किसी का नाम लिए राजनीतिक दलों पर हमला बोला। उन्होंने चीनी जवानों को भारतीय इलाके से वापसी को लेकर बड़ा बयान दिया। आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश की सीमा के एक इंच से भी समझौता नहीं कर सकती। पीएम मोदी ने देश की सरजमी की तरफ देखने वालों को सख्त लहजे में जवाब दिया है। भारत चीन के बीच जमीन विवाद सुलझाए जाने की दिशा में मिली कामयाबी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम ने बॉर्डर पॉलिसी पर सवाल उठाने वालों को भी जवाब दिया है। एक समय था जब डिप्लोमेसी के नाम पर सरक्रीक को छल से हड़पने की पॉलिसी पर काम हो रहा था। मैंने तब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भी देश की आवाज को बुलंद किया था। पीएम ने कहा है कि हमारी नीतियां हमारे सशस्त्र बलों के संकल्प के मुताबिक है और हमें दुश्मनों की बातों पर नहीं बल्कि अपने सैनिकों के दृढ़ संकल्प पर भरोसा है। भुज में पीएम मोदी अपने दो दिन के दौरे के बीच पहुंचे थे। उन्होंने दीपावली के मौके पर गुजरात के कच्छ में सैनिकों के साथ त्योहार मनाया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने हाथों से बीएसएफ जवानों को मिठाई भी खिलाई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सरक्रीक इलाके का निरीक्षण भी किया। उनके मुताबिक हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास करना है।